नमस्कार, बिहार में खेला होने की तैयारी चल रही है। तारीख आज 20 जनवरी है और तारीख बताई जा रही है कि 24 जनवरी से पहले बिहार में बड़ा खेला हो जाएगा। टूट महागठबंधन के अंदर होगी, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि महागठबंधन ही नहीं, अगर महागठबंधन में टूट हुई तो एनडीए में भी बड़ी टूट होगी। बिहार के दो युवा चेहरे एक साथ चुनावी मैदान में नजर आएंगे। भले नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले जाए, लेकिन भाजपा को उससे भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति बिहार में युवाओं के लिए दमदार है और ऐसे में बिहार के जो दो युवा हैं एक साथ आने को तैयार हैं। नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है, बिहार के मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आरजेडी के नेता हैं। तो दूसरा नाम है चिराग पासवान का, फिल्म अभिनेता रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं, जमुई के सांसद हैं। लेकिन तेजस्वी और चिराग क्या एक साथ आएंगे, क्या ये नजदीकियां देखने को मिलेगी, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। नीतीश कुमार अगर चले गए भाजपा के अंदर तो मांझी का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, जिन लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर बयानबाजी की वो कितने सहज महसूस करेंगे एनडीए के अंदर, आने वाला खेला बिहार में क्या होगा, आपको समझना जरूरी है। आपको बताएं इससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम प्रकाश सिंह है और आप मुझे टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त देख रहे हैं। बिहार में एक बात को लेकर चर्चा खूब हो रही है। चर्चा ये कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, नीतीश कुमार बाजी पलटने वाले हैं, तेजस्वी यादव को बड़ा दगा देने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार झटका तो देंगे, उससे भी बड़ा झटका बीजेपी को बिहार में उनके साथ रहने वाले सहयोगियों ने देने का प्लान कर लिया है। नीतीश कुमार अगर एनडीए में जाते हैं तो एनडीए में बड़ी टूट होगी। जितनी बड़ी टूट आप महागठबंधन के अंदर सोच रहे होंगे, उसके कई गुना ज्यादा बड़ी टूट होगी एनडीए के अंदर। और एनडीए में ऐसी टूट होगी कि नीतीश तेजस्वी अब जब एक साथ नहीं होंगे तो दो युवाओं की जोड़ी बिहार की जनता एक साथ देखेगी। वो दो युवा चिराग पासवान तेजस्वी यादव हैं। और वर्तमान दौर में बिहार की बात कर ले तो ना तो चिराग पासवान का क्रेज कम है ना तेजस्वी यादव की, लेकिन वोटर वाइज अगर बात करें तो चिराग पासवान के सामने तेजस्वी यादव का कद राजनीतिक तौर पर कई हजार गुना ज्यादा है। 243 एमएलए वाले प्रदेश में चिराग पासवान की विधायकों की संख्या शून्य है। वर्तमान में तेजस्वी यादव 79 विधायकों के साथ हैं, लेकिन अगर चिराग तेजस्वी एक साथ आ जाएंगे तो बिहार में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। ये कहावत आपने सुना है ना, वो लालू प्रसाद का डायलॉग, लोकसभा के अंदर तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहे तो मुश्किल होगा। चिराग पासवान अब जब नीतीश कुमार एनडीए के अंदर चले जाते हैं, अगर नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ा तो पहला व्यक्ति होंगे जो एनडीए का साथ छोड़ेंगे। चिराग पासवान वो पहला व्यक्ति होंगे जो नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी से बगावत के झंडे उठाएंगे और भाजपा के खिलाफ जाकर चिराग तेजस्वी के साथ जाएंगे। ये इसके पीछे की जो लॉजिक है वो आपको समझना जरूरी है। एक और महागठबंधन, दूसरी ओर एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जहां ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है। एक तस्वीर सामने आती है और उस तस्वीर में एनडीए के नेताओं की बैठक चल रही होती है। बिहार में एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी, भाजपा का कोई नेता वहां मौजूद नहीं। वहां मौजूद कौन होते हैं? चिराग पासवान, जीतन रामाजी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, आरएलजेडी वाले उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहा वो उपेंद्र कुशवाहा, दिल्ली में बैठकर, पटना में बैठकर ट्वीट कर करें नीतीश कुमार कभी पलट सकते हैं। अगर नीतीश पलटे तो उपेंद्र कुशवाहा पहले व्यक्ति होंगे जो एनडीए से नाता तोड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा वो पहले व्यक्ति होंगे जो एनडीए को छोड़ेंगे। जीतन राम मांझी किस मुंह से रहेंगे भाजपा के साथ, क्या मुंह दिखाएंगे बिहार की जनता को? चिराग पासवान भाई,
नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती झंडे लेकर इतना घुमा चिराग पासवान ने कहा कि सरकार बनी तो देखेंगे, जेल भेजेंगे नीतीश कुमार को। और वो चिराग पासवान कैसे रह सकते हैं? अगर नीतीश कुमार रहें तो या तो उनकी मिट्टी पलित करा दी जाएगी, नहीं तो चिराग पासवान छोड़ेंगे। नीतीश अगर जाते हैं भाजपा के साथ तो बहुत बड़ी शर्त होगी, शर्त ये कि आप हर हाल में चिराग पासवान को बाहर कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को बाहर कीजिए, जीतन राम मांझी को बाहर कीजिए। और भाजपा के लोग भूले थोड़ी हैं, विधानसभा के अंदर कैसे नीतीश कुमार ने कह दिया जीतन राम मांझी को, अरे तुम क्या बोलेगा। तो ये सब याद रखा जाएगा बिहार के सियासत में। बहरहाल चुनावी तौर पर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जोड़ी एक साथ नजर आ सकती है। चिराग पासवान के अगर बयानों को देखें, चिराग पासवान चाहे नीतीश कुमार के साथ 2020 के चुनाव में उनके खिलाफ लड़े हो या फिर तेजस्वी यादव के साथ जाने की बात उन्होंने कभी की हो, चिराग पासवान ने खुलकर कभी व्यक्तिगत प्रहार तेजस्वी, लालू, बीसा, राबड़ी लोगों पर नहीं किया है। तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच जो रिश्ते हैं अब भी बड़ा भाई और छोटे भाई के जैसा है। चिराग बड़े भाई के तुलना में है, तेजस्वी छोटे भाई के तुलना में है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति बिहार में अगर ऐसा बनती है, अगर बिहार में नीतीश कुमार जाते हैं भाजपा के साथ, तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर बिहार में ना सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बगावती झंडे उठाएंगे बल्कि नीतीश कुमार को भी टारगेट किया जाएगा। और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये किस मुंह से रहेंगे भाई, ये किस हाल में रहेंगे, इन्हें अपनी वो बेइज्जती याद होगी। उपेंद्र कुशवाहा को अपनी बेइज्जती याद पड़ेगी, जीतन राम मांझी को अपनी बेइज्जती याद पड़ेगी। और यही वजह है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने एक बड़ी बैठक की है और इस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई है, नीतीश इन, चिराग मांझी, कुशवाहा आउट। और भाजपा को बिहार में बोल्ड करने के लिए महागठबंधन मजबूत होगा, दो युवाओं की जोड़ी होगी और बिहार में चुनाव इस तरीके से लड़ा जाएगा कि 24 में चुनावी बाजी दिल्ली की पलट दी जाएगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।